बीजेपी में राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। पटना पहुंचे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को लायक तो बीजेपी का नालायक संतान बताया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को यह मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुद्दे पर चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी। बिहार के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश आरएसएस भाजपा के में रंग गए हैं। लोहिया के पाठ्यक्रम पुस्तकों से हटाए जाने का भी दिग्विजय ने विरोध किया। कांग्रेस मुख्यालय सदाकांत आश्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 1947 से 2014 तक कांग्रेस ने बांध, रेलवे लाइन, ट्रेन, एयरपोर्ट जैसे जो भी पब्लिक सर्विस के प्रोजेक्ट बनाए उसे बेचने के लिए मोदी सरकार ने नेशनल मोनेटाइजिंग पाइपलाइन की घोषणा की। दिग्विजय ने कहा कि लायक बेटा और नालायक बेटे में यही फर्क होता है। उन्होंने कहा कि लायक बेटा वो होता है जो विरासत में मिली चीजों को जोड़ता है, वहीं नालायक बेटा उसे बेचकर घी पीता है। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में। क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जींस, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टेक्ट नंबर 6261237045 7225877048। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।